तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर आने वाले एक मेजर डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो देश के अंदर क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस होती है उनको एनालाइज करने के लिए काफी जरूरी होगा। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि जल्द ही BNS या भारतीय न्याय संहिता लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाले, IPC के जो लॉज थे वो खत्म होने वाले है। तो यहाँ पर इसके वजह से जो बड़े प्रोविजन है BNS में, वहां पर फॉरेंसिक प्रूफ्स को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। अब देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली कई सारे पुलिस स्टेशन और डिपार्टमेंट जो है इनके पास में अच्छे फोरेंसिक टीम्स नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये डेवलप हो जाए, BNS डेवलप होती होती, इसलिए डिसाइड किया गया है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम NFIES को लॉन्च करेंगे और अप्रूव इसे कर दिया गया है। और जो फाइनेंशियल आउटले इसके लिए रखा गया है वो 2,254.43 करोड़ रुपीज का। इसकी वजह से होगा ये कि कई सारे साइंस यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑफ कैंपस लैब्स बनाए जाएंगे सारे के सारे 28 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के अंदर। और यहाँ पे इसके वजह से जो भी BNS के अंदर केसेस रजिस्टर होंगे वहाँ पे फोरेंसिक जांच की जो जरूरत होगी वो इन जगहों पर की जाएगी। ऑब्वियसली धीरे धीरे इसका एक्सपांशन भी होगा, लेकिन दोस्तों ये जरूरी बात है क्योंकि हमारे देश के अंदर आज के डेट में लॉज इतने पुराने हैं कि कभी कभी एक प्रॉपर फोरेंसिक प्रूफ होने के बावजूद, एक कंक्लूसिव प्रूफ होने के बावजूद, क्योंकि IPC में उस प्रूफ को प्रेजेंट करने की या हमारे कानून में उसको प्रेजेंट करने के कोई कानून नहीं है, तो वो प्रूफ होने के बावजूद भी उसको कंसिडर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि लिटरली जो है DNA सैंपल है और फिर भी कन्विक्शन जो है होने के लिए देरी हो जाती है क्योंकि उसको एज अ डायरेक्ट प्रूफ लिया नहीं जा सकता। अगली दोस्तों खबर के बारे में बात करें तो वो आ रही है एयर इंडिया से रिलेटेड। वेस्ट को लॉन्च किया है अपना प्रीमियम इकोनॉमी क्लास कैबिन कुछ डोमेस्टिक रूट के ऊपर और अगले महीने से फ्लाइट के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। करेंटली सिर्फ विस्तारा अकेली कैरियर थी जहां पर आपको डोमेस्टिक रूट के ऊपर प्रीमियम इकोनॉमी देखने मिलता था। हालांकि एयर इंडिया के अंदर भी कुछ बिजनेस क्लास सीट्स होती थी, लेकिन वो बिजनेस क्लास सीट्स प्रीमियम इकोनॉमी से भी खराब थी। अभी यहाँ पर एयर इंडिया आप जानते हो बहुत सारे नए प्लेन लाना शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली जो इनका मेन प्लेन होने वाला है एयरबस A320neo, ये भी जो एक ब्रांड न्यू बना गया था वो आ गया है भारत के अंदर। और कुछ जो डोमेस्टिक रूट्स है जहाँ पर डिमांड हो सकती है ऐसे केबिन्स की, वहां पर इनको लॉन्च किया जाएगा। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल रूट्स पे तो सब कुछ होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से एविएशन रिलेटेड है। तब डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन DGCA ने इशू की एक एडवाइजरी जहां पर इस सर्कुलर का नाम है जेंडर इक्वालिटी इन सिविल एविएशन सेक्टर फॉर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि अराउंड 2025 तक 25% जो वर्कफोर्स होनी चाहिए एविएशन इंडस्ट्री के अंदर वो विमेन होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है लीडरशिप एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं ताकि जो ऐसे फील्ड्स है एविएशन के अंदर जहाँ पर लड़कियां नहीं है उनको वहां पर इंडक्ट किया जा सके। अब हालांकि कुछ एयरलाइंस इंडिगो है ही जो बहुत अच्छे से मार्केटिंग भी करती है, एट द सेम टाइम जो उनका पूरा केबिन क्रू विमेन से भरा हुआ है, जबकि मेंटेनेंस स्टाफ ग्राउंड स्टाफ जो होता है वहां पे कोई लड़की नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अभी इन फील्ड्स के अंदर भी इनको इंडक्ट करने के हिसाब से सर्कुलर लिखा गया है। अब देखते हैं एक्चुअल में कितनी एयरलाइंस को लड़कियां मिलती है जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड बैगेज हैंडलिंग मैनेजमेंट जो होता है एयरपोर्ट के ऊपर उस वगैरह में काम कर सकेगी। अगली खबर दोस्तों और ये बिहार से रिलेटेड, जहाँ के CM के द्वारा अप्रूव कर दिए गए है या काइंड ऑफ सेंटर से उन्हें नॉर्ड मिल गया है 4 शहरों के अंदर मेट्रो बनाने के लिए। पटना में वैसे मेट्रो ऑलरेडी है, लेकिन अब इसके बाद में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर के अंदर मेट्रो बनाने के लिए परमिशन मिली है। अब दोस्तों आप सब जानते हो कि करेंटली अभी बिहार के जो CM है वो करेंट गवर्नमेंट के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स है, तो ऑब्वियसली उनके द्वारा चीजें अप्रूव करवा लेना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। बिहार एक बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टेट है, ऐसा स्टेट जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कई लोगों के लिए रास्ते भी खोल सकता है और देश के अंदर जितने शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन के लोगों को आदत पड़ेगी उनको यूज करने की उतना अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं इन 4 शहर के अंदर कैसे मेट्रोज बनेगी। अगली दूसरी खबर जो आ रही है वो अहमदाबाद से रिलेटेड, जहां पर अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किए जाने वाले हैं 30 स्मार्ट स्कूल्स जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर वैसे गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 69 स्कूल्स टोटल आ जाते हैं, जिनके अंदर पहले 2 फेजेस में 29 और फिर उसके बाद में 30 ऐसे स्कूल्स ऐड किए गए हैं और 36.44 करोड़ रुपीज के लिए खर्च किया गया। बेसिकली इसका मतलब यही है कि स्कूल्स के अंदर मॉडर्न सिस्टम्स है, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है ताकि बच्चों को जो है बेहतर मीडियम के जरिए एजुकेट किया जा सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है हरियाणा से रिलेटेड, जहाँ पे PM के द्वारा इनॉग्रेट किया जाने वाला है हिसार एयरपोर्ट बहुत ही जल्द और फ्लाइट ऑपरेशन यहाँ पे कमेंस होने वाले हैं। तो हिसार एयरपोर्ट का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और जो टोटल नाम होगा एयरपोर्ट का वो होगा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार। तो यहाँ पे फ्लाइट्स भी जल्द शुरू हो जाएंगी। 544 करोड़ का खर्च किया गया है इस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। और वैसे जब इनॉग्रेशन होगा PM के द्वारा तो सिर्फ एयरपोर्ट का नहीं होगा, इसके अलावा 9 और प्रोजेक्ट चल रहे हिसार रीजन में 339 करोड़ के, उनका भी होगा। आज के आसपीडी सवाल के बारे में बात करें तो रॉयल गेमिंग पूछते हैं, इज देयर नो सॉल्यूशन इफ स्टेट गवर्नमेंट अपोजेस द पोर्ट डेवलपमेंट, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव मोर पावर्स रिगार्डिंग दिस, हाउ कैन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स
कैन एनीवन स्टॉप डेवलपमेंट। भाई आप शायद से बहुत नए हो भारत के अंदर, जहां पर आप जो लॉज जिस तरीके से बनाए गए हैं, जो पॉलिटिक्स है उसको अब तक समझते नहीं हो। यहां पे मैं ये लोगों को बता देता हूं, ये सवाल वाधवन पोर्ट जो बनने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, देश का सबसे बड़ा पोर्ट जिसके बारे में हमने कब खबर दी थी, उससे रिलेटेड है। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि महाराष्ट्र के अंदर करेंटली पॉलिटिक्स इतना बिखरा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी लीडरशिप नहीं आएगी महाराष्ट्र में, और जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने क्लियरली इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है कई इश्यूज के चलते। अब इसके वजह से कई बार ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट काम शुरू कर देती है तो वे स्टेट गवर्नमेंट क्यों रुकवाती है। तो देखो ऐसे है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस जाके कोई रस्ते पे बैठ जाता है और प्रोजेक्ट रुकवा देता है। लीगल तरीके होते हैं जिसके जरिए प्रोजेक्ट को जानबूझ के अपोज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर जमीन अक्वायर करनी है तो लोकल रजिस्ट्रार के बिना वो काम नहीं हो सकता। और लोकल रजिस्ट्रार जो है वो किसके अंडर चलेगा, वो स्टेट के अंदर चलेगा। तो अगर वो दिक्कतें प्रोड्यूस करता है किसी की भी प्रेशर के अंदर तो प्रोजेक्ट रुकता है। कई क्लियरेंसेस होती है, छोटी मोटी क्लियरेंसेस, जैसे अप्रोच रोड बनाना हो गया, कोई ऐसी चीज बनानी हो गई ऐसी टेरिटरी के अंदर जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है, तो वहां पे उस चीज को रोक दिया जाएगा। मेजरली तो लैंड एक्विजिशन के अंदर ही ये दिक्कतें होती है। कई बार जब टेंडर अवार्ड हो जाते हैं उसके बाद में भी उनको कैंसिल किया जा सकता है। एक बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं धारावी रीडेवलपमेंट का, जब पहले एक दुबई बेस्ड ग्रुप ने बहुत बड़े अमाउंट पे बिड जीत ली थी, लेकिन फिर भी जब डेवलपमेंटल काम शुरू होने ही वाले थे उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई और बिड्स को कैंसिल कर दिया गया। और बिड्स को कैंसिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं लगता है। तो हजारों तरीके होते हैं लीगल। बुलेट ट्रेन के टाइम पे भी जो है फाइल्स को जो है अप्रूवल के लिए जो भेजा गया था उनको रिटर्न भेजा ही नहीं गया, तो काम कैसे शुरू होगा। तो ऐसे कई चीजें होती है जिसके जरिए प्रोजेक्ट्स को रोका जाता है। अब वैसे इलेक्शंस के लिए अभी भी थोड़ा टाइम है, देखते कैसे यहाँ पे गठबंधन ये सब होता है। पॉलिटिक्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है, तो अभी तक हम 100% डेफिनेटिवली नहीं बोल सकते क्या होगा गवर्नमेंट का। होप्स हाई रखने के लिए तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जो भी होगा उसके बाद में डिपेंड करेगा ना सिर्फ वाधवन पोर्ट के बारे में, लेकिन कई सारे मेट्रो लाइन, शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे, कई दूसरे डेवलपमेंटल वर्क जो है वो होगी नहीं होगी वो पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट्स मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।